हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू द क्लास माय नेम इज़ प्रथम एंड आई एम योर बायोलॉजी टीचर एंड टुडे इज़ ए लेक्चर नंबर 1.1 ऑफ क्लास ट्वेल्थ बायोलॉजी फिफ्थ चैप्टर तो आप जैसे जानती है हमने जेनेटिक्स शुरू की हुई है तो उसका आज लेक्चर नंबर 1.1 है पिछले लेक्चर में भी हमने बहुत कुछ पढ़ा था हमने थोड़े से टर्म्स पढ़ी थी हमने थोड़ी सी एन पढ़ी थी और साथ में रिवाइज भी किया था ना तो आज भी हम आगे करेंगे ठीक है तो आज हम कर रहे थे आ, करने वाले थे मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ठीक है बच्चा क्या करने वाले थे हम हम करने वाले थे मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ठीक है तो इस मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में आ, उस आ, पहले हम पढ़ लेते हैं एन भी हम पढ़ेंगे बट उससे पहले मैं आपको समझा दूँ पहले कि जो मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है वो क्या है उसमें क्या कहा गया है तो सबसे पहले हम मैंडल के बारे में हमने पिछले लेक्चर में भी जाना था बट थोड़ा सा हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं है ना। तो जो मैंडल साहब थे है ना उन्होंने पी प्लांट्स पर स्टडी की थी ठीक है और पी प्लांट्स पर स्टडी उन्होंने क्यों की थी है ना ये भी बात जाननी बहुत ज़रूरी है है न जैसे कि मैंने पिछली क्लास में कहा था और इस क्लास में फिर से रिवाइज कर रहा हूँ तो उन्होंने कहा था कि उस टाइम पर जो थ्योरी थी ना एक थ्योरी बहुत फेमस थी वो थ्योरी क्या कह रही थी वो थ्योरी कह रही थी एट द टाइम ऑफ मैंडल कि जो एक पेरेंट है उससे जो ऑफ स्प्रिंग बन रहा है है ना वो मीडियम टाइप का ऑफ स्प्रिंग होगा ठीक है वो कौन सा ऑफ स्प्रिंग बनेगा वो मीडियम टाइप का ऑफ स्प्रिंग बनेगा लाइक दिस ठीक है वो कौन सा ऑफ स्प्रिंग बनेगा मीडियम टाइप का ऑफ स्प्रिंग बनेगा इसके जैसा ठीक है जैसे कि ये क्या है हमारी पेरेंट बॉडी है ठीक है ये पेरेंट लगा लो ए ये बी ठीक है ये बी हो गया इससे जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस हुआ तो वो मीडियम होगा है ना उसमें ऐसा कुछ नहीं होगा मतलब कि उस टाइम ये थ्योरी बहुत फेमस थी बहुत टाइम पहले की बात है ना ये तो उस टाइम ये थ्योरी बहुत फेमस थी बट जब वो मैंडल साहब थे अपने उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट्स किए वो इसलिए किए क्योंकि जब उन्होंने पी प्लांट्स को देखा आ, वो मॉन्क थे और वो जहाँ पर बच्चों को स्टडी करवाते थे वहाँ पर उन्होंने पी प्लांट्स ग्रो किए हुए थे बट उन्होंने पी प्लांट्स में देखा कि यहाँ पर जो ऐसा हो रहा है ऑफप्रिंग प्रोड्यूस हो रहा है पी प्लांट्स का जब बेबी पी प्लांट्स बन रहा है तो उसमें तो कुछ ऐसा है ही नहीं उसमें तो वेरिएशंस आ रही हैं लाइक दिस ठीक है जैसे कि आप लगा लीजिए ये है ठीक है? है, है ये है हमारा ए ठीक है ये है हमारा बी ठीक है और इससे प्रोड्यूस हो रहा है ऑफ स्प्रिंग विच इज ऑल्सो स्मॉल ए ठीक है तो टर्म्स याद रखना बच्चा ठीक है जेनेटिक्स में ए बी आर आर ये चीजें ही आएंगी ठीक है और इसे इस अच्छे से ध्यान से पढ़ना तो क्या हो रहा था कि जो उन्होंने पी प्लांट्स को देखा तो उसमें वेरिएशन्स आ रही थी उसमें क्या वेरिएशन आ रही थी कहते अगर देखो अगर ये एक बड़ा है और ये जो एक बी है वो छोटा है तो उससे जो प्रोड्यूस हो रहा है वेरिएशन आ रही है उसका साइज शेप अलग हो रहा है है ना तो उन्होंने पी प्लांट्स में वेरिएशन देखी तो उनके दिमाग में आया कि यहाँ पर तो वो थ्योरी फेल हो रही है जो कि वहाँ उस टाइम पे बहुत फेमस थ्योरी थी ये तो फेल हो रही है तो इसलिए उन्होंने इस पर स्टडी करना शुरू कर दिया ठीक है उन्होंने फिर इस पर स्टडी करना शुरू कर दिया उन्होंने बहुत टाइम स्टडी भी किया इस पर ठीक है और यही मैंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो एन में एक इसका बड़ा वो है एक पैरा बना हुआ है ना बड़ा सारा तो वही चीज़ इसमें है सारी मतलब तो कि ऐसा समझ लो कि एक वन शॉट मैंने आपको तो बता दिया ठीक है बट एन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है इसलिए हम उसे भी अच्छे से करेंगे ठीक है तो यहाँ तक आपको समझ आ गया है हमने क्या पढ़ा है कि बस उस टाइम पे जो थ्योरी थी है ना पेरेंट्स से जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा वो मीडियम टाइप का होगा इंटरमीडिएट होगा है ना बट जब उन्होंने देखा कि प्लांट्स में तो ऐसा नहीं हो रहा है वहाँ पर वेरिएशंस आ रही हैं तो उनके दिमाग में क्वेश्चंस आते रहे कि ऐसा क्यों हो रहा है इसलिए उन्होंने इस पर स्टडी करना शुरू कर दिया ठीक है सीधी सी बात है उन्होंने इस पर स्टडी करना शुरू कर दिया अपनी एन में अब हम करने वाले हैं लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ठीक है लॉ ऑफ इनहेरिटेंस से शुरू करेंगे इसमें भी सारा यही कहा गया है आ, बट हम लाइन टू लाइन पढ़ने वाले हैं क्योंकि मैंने आपको पहले इंट्रोडक्शन में ही कहा था कि हमने कैसे पढ़ना है तो आ, हम पढ़ते हैं अब लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इट वॉज ड्यूरिंग मिड नाइनटीन सेंचुरी दैट हैडवे वॉज मेड इन अंडरस्टैंड ऑफ इन्हेरिटेंस सबसे पहले मैं आपको मैंडल ऑफ इन्हीटेंस पढ़ा रहा हूँ इन्हेरिटेंस का मतलब तो अब समझते होंगे क्योंकि पिछली क्लास में भी मैंने बताया था इन्हीटेंस का क्या मतलब होता है आप ये लाइन को ना अच्छे से सुनना जो मैं आप बताने वाला हूँ इन्हीटेंस इज द प्रोसेस बाय विच करैक्टर पाज ऑन फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजनी मीन्स ऑफ स्प्रिंक मतलब कि ये वो प्रोसेस है जहाँ पर मतलब कि क्रैक्टर्स पास होते हैं पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग में पेरेंट से जो बच्चे में करैक्टर्स जाते हैं वो क्या हैं वो है एक तरह की इनहेरिटेंस है वही इनहेरिटेंस है ठीक है तो मैंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस मेंडल ने देखी कौन सी इनहेरिटेंस भी जो पेरेंट से चाइल्ड में ऑफस्प्रिंग में करैक्टर्स जा रहे हैं उन्हों को उन चीज़ों को देखा मैंडल साहब ने इसलिए उन्होंने एक मेंडल लॉ बना दिया मैंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ठीक है ये कब किया उन्होंने कहते एट द ड्यूरिंग ऑफ मिड नाइन्टीन सेंचुरी उन्होंने 1900 आधा फिफ्टी नाइनटीन फिफ्टी के लगभग uh, उन्होंने ये सब कुछ किया ठीक है इट वॉज ड्यूरिंग द मिड नाइनटीन सेंचुरी दैट हैड वे वॉज मेड इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इनहेरिटेंस हैड मेड इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इनहेरिटेंस उन्होंने एट द टाइम ऑफ नाइनटीन्थ इंटेरी इन्हेरिटेंस को uh, समझा अंडरस्टैंड किया कैसे ग्रीगरमेंडल कंडक्ट हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पी फॉर सेवन ईयर्स ठीक है बच्चा गार्डन पी ऑन सेवन ईयर्स उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट जो हाइब्रिड पर एक्सपेरिमेंट होते हैं उसे हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स कहते हैं उन्होंने गार्डन पी पर सात साल एक्सपेरिमेंट किए सेवन ईयर्स बच्चा सेवन ईयर्स कब से कब मैंने कहा ना एटीन से लेकर एटीन पर ठीक है वहाँ पर उन्होंने सात साल लगभग उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए वॉज प्रपोज द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने ला दिया ला प्रपोज किया विच इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ठीक है इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ड्यूरिंग मैंडल्स इन्वेस्टिगेशन इन टू इनहेरिटेंस पैटर्न इट वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट स्टैटिकल एनालिसिस एंड मैथामेटिकल लॉजिक बच्चा ये बहुत ध्यान से मैटा मैथामेटिकल लॉजिक वॉज अप्लाइड टू प्रॉब्लम इन बायोलॉजी उन मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो मैंडल थे ग्रीगर जोन मैंडल थे उनका बचपन से ही मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट रहा था इसलिए उन्होंने इस ये सारी प्रॉब्लम्स को भी इन्हेरिटेंस वाली जो उनको प्रॉब्लम दिखी है ना उसको भी उन्होंने उन्होंने मैथोमेटिकल टर्म्स लेकर ही समझाया ये प्रॉब्लम थी बायोलॉजी मैथोमेटिकल तो तो मैथोमेटिकल तो कुछ Uh, चीज़ें थी उन्होंने इस लॉ में घुसाईं लॉजिक अप्लाई किए मैथमेटिकल और वो लॉजिक सही भी थे सही भी थे वो लॉजिक ठीक है बट आगे देखिए क्या होता है हिज एक्सपेरिमेंट हैड अ क्रेडिबिलिटी टू दैट डाटा दैट ही कलेक्टेड अल्सो द कन्फर्मेशन ऑफ हिज इन फ्रेंसेज फ्राम एक्सपेरिमेंट्स ऑन सक्सेव जनरेशन ऑन हिज टेस्ट प्लांट प्रोवाइडेड दैट हीज रिजल्ट पॉइंट टू जर्नल रूल्स ऑफ इन्हेरिटेंस रैदर दैन बींग अनसटेनेबल आइडिया देखो जो मैंडल साहब ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे उन्होंने मैथ्स की टर्म्स लेकर किए थे है ना मैथ्स की टर्म्स लेकर उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स को सॉल्व किया था ठीक है बहुत सी मैथ्स की टर्म उन्हें यूज की थी और इसी मैथ्स की टर्म की वजह से है ना जो उन्होंने बाद में दिखाया जब पब्लिश करने के लिए उन्होंने अपना वर्क शो किया ना पब्लिश करने के लिए तो उनका वर्क पब्लिश नहीं हुआ क्योंकि उस टाइम ये बहुत ही न्यू था मतलब किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या लिखा है और सबसे पहले तो वो देखते ही मना कर देते थे कि ये तो पब्लिश ही नहीं हो सकता क्योंकि इसमें तो मैथमेटिकली टर्म्स यूज की हुई हैं बायो है बायो में मैथमेटिक्स क्या कर रही है ना तो वो देखते ही वो कर देते थे, थे मना कर देते थे, थे तो उनका जो ये था जब वो जीवित रहे उनके जीते जीतो, उन उनका वर्क पब्लिश हो ही नहीं पाया ठीक है तो मैंडल इन्वेस्टिगेशन करेक्टर इन द गार्डन पी प्लांट्स वर मैनिफाइड टू अपोजिंग ट्राइड्स मतलब कि जो मैंडल साहब थे है ना उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की करैक्टर्स यूज़ किए यहाँ पर ये क्वेश्चन आ सकता है बच्चा कि इसमें ये कहा गया कि उन्होंने कौन कौन से करैक्टर्स यूज़ किए है ना कौन कौन सी चीज़ें यूज़ की है ना मतलब कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट तो किया एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या क्या लिया ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्या क्या लिया बच्चा आ, आ, ये सारी चीज़ें देखो दिस इज़ यू एल्स नो दैट राउंड रिंकल्ड क्या है ये सारा है ना तो ये तो सारे देखो बच्चे सेवन करेक्टर्स हैं ठीक है क्या ये सेवन करेक्टर्स हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन है ना सेवन करेक्टर्स हैं सेवन करेक्टर्स ऑफ कंट्रास्टिंग ट्राइट्स इन पी प्लांट्स स्टडीड बाय मैंडल ठीक है uh, उन्होंने सात ऐसे करैक्टर्स लिए और उन्होंने इस पर अच्छे से स्टडी किया उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की इस करेक्टर्स की इन द गार्डन पीपर दैट वर मैग्नीफाई एज टू अपोजिंग ट्राइट्स। और दोनों ही उन्होंने अपोजिंग ट्राइट्स लिए थे ठीक है तो क्या है ये देखो पहला करैक्टर है हमारा सीड शेप और डोमिनेंट ट्राइड क्या है राउंड और रिसेसिव ट्राइट का है रिंकल्ड ठीक है रिसेसिव ट्राइट क्या है रिंकल्ड और इसके बाद सीड कलर सीड कलर क्या है येलो और वो डोमिनेंट है और रिसेसिव ट्राइट क्या है ग्रीन और डोमिनेंट ट्राइट वॉयलेट रिसेसिव ट्राइट वाइट तो एक बात ध्यान में ये डोमिनेंट ट्राइट और रिसेसिव ट्राइट आप को पता होंगे क्योंकि मैंने फर्स्ट क्लास में ही इसे एक्सप्लेन कर दिया था बट जिन बच्चों ने नहीं किया उनको मैं बता दूं डोमिनेंट ट्राइट्स वो होते हैं जिनका प्रभाव आगे ज्यादा होता है कैसे लाइक like, लगा लो ये F1 है ठीक है ये F1 वन जनरेशन आती है इनकी लाइक like अगर हम राउंड uh, सीड uh, में और रिंकल सीड ले लें दो सीड्स लें ठीक है बच्चा अगर हम दो सीड्स लें और उनका क्रॉस करवाएं एक सीड हो राउंड एक सीड हो रिंकल्ड और अगर जब राउंड वाला डोमिनेंट ट्राइट शो कर रहा हो तो आगे जाके जो जनरेशन होगी जो बेबी बनेगा वो अगर राउंड हुआ तो इसलिए मतलब कि उस पर वैसे तो फिफ्टी फिफ्टी परसेंट आता है ना बट <coughs> अगर अगर वो जो चाइल्ड है वो चाइल्ड राउंड शेप का हुआ है ना कोई भी हो सकता है लाइक like सीड है वो राउंड शेप का हुआ तो हम कह सकते हैं कि आ, आ, तो हम कह सकते हैं कि जो डोमिनेंट है वो हमारा राउंड है उसी तरह हमने आ, किया था कि दो फ्लावर्स ले लें है ना अगर उसमें रेड कलर का फ्लावर है एक वाइट कलर का फ्लावर है अगर रेड कलर का बेबी फ्लावर यूज हो रहा है बन रहा है तो हम क्या कह सकते हैं वो रेड कलर क्या है डोमिनेंट है ठीक है अगर यहीं पर अगर कह सकते हैं कि रिंकल होता डोमिनेंट तो क्या होता रिंकल डोमिनेंट होता तो आगे चाइल्ड भी डोमिनेंट ही होता आ, रिंकल्ड ही होता ना तो ऐसे ही है सेम ठीक है तो उन्होंने सेवन करैक्टर्स लिए इन सेवन करैक्टर्स को उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया ठीक है लाइक फर्स्ट करेक्टर उन्होंने सीड्स की शेप देखी लाइक like, सीड की शेप एक राउंडली एक रिंकल सीड का कलर लिया येलो ग्रीन फ्लावर का कलर लिया वॉइलेट वाइट uh, और पॉड शेप फुल और कंस्ट्रिक्टेड लाइक पॉड कलर और ग्रीन येलो ओके देन फ्लावर पोजिशन एक्जियल और टर्मिनल एक्जियल क्या होती है लाइक like, आप देख सकते हैं ये ठीक है जो ये ऊपर ऐसे एक्जिस पर है एक्सिस पर लगा लो एक्सियल और टर्मिनल मतलब कि वाई एक्सिस पर जो सीधे ऊपर की तरफ से होते हैं है ना और नेक्स्ट है स्टीम हाइट एक टॉल ले ली एक डॉर्फ ले ली टॉल ले ली एक डॉर्फ ले ली ठीक है टॉल मतलब लंबी डॉर्फ मतलब छोटी ठीक है तो वही है ना अभी दो ये हमने समझो कि हमने ये दो करैक्टर्स ले लिए एक टॉल ले लिया एक डॉर्फ ले लिया अगर हम इनका क्रॉस करवाए अगर चाइल्ड जो प्रोड्यूस हो रहा है जो ऑफ स्प्रिंग बन रहा है वो अगर टॉल हुआ तो क्या कह सकते हैं कि ये टॉल इस पर डोमिनेंट है ठीक है और डॉर्फ इस पर रिससिव है ठीक है बच्चा तो डॉर्फ इस पर रिसेसिव है तो ये क्रैक्टर्स उसने, उसने मैंडल साहब ने लिए इन पर स्टडी किया इन पर स्टडी करने के बाद उन्होंने लॉज भी बनाए ठीक है बच्चा तो हमने क्या देखा कि यही ट्राइट्स लिए एग्ज़ाम्पल टॉल और डॉर्फ प्लांट येलो और ग्रीन सीड दिस दिस अलाव हिम टू सेट अप अ बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ एक्सपेंडेड ऑन द लिटल साइंटिस्ट टू अकाउंट फॉर ऑल द डाइवर्स नैचुरल ऑब्जर्वेशन एंड द एक्रिटेंस एक्सप्लेक्स एक्सप्लेक्सिटी इन्हेरियंट इन दैम मतलब कि उन्होंने ये जो करैक्टर्स लिए येलो ग्रीन सीड्स डॉल्फ प्लांट ये सारे ही उन्होंने इस पर स्टडी किया है ना उन आ, पहले तो देखो मैंने पहले ही बताया कि पहले तो गवर्नमेंट ने वो पब्लिश नहीं किया बट बाद में जो साइंटिस्ट आए उन्होंने देखा है ना तो फिर क्या हुआ उनका वर्क पब्लिश हुआ बट उनके जीते जीते तो उनका वर्क पब्लिश नहीं हो पाया उनके मरने के कुछ साल बाद मतलब कि कोई साइंटिस्ट आए है ना लेटर एक्सपेंडेड ऑन बाय लेटर साइंटिस्ट आए उन्होंने मतलब कि एक्सपेरिमेंट्स ऐसे किए और जो रिजल्ट आ रहा था सेम आ रहा था मैंडल साहब का और जो उनका आ, सेम आ, सेम रिजल्ट आ रहा था तो इसके कारण ही आ, वो जो उन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स घोषित किया गया ठीक है बच्चा और इसके बाद हम बात करें मेंडल कंडक्ट सच आर्टिफिशियल पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन एक्सपेरिमेंट यूजिंग सेवरल अ ट्रू ब्रीडिंग ठीक है मेंडल कंडक्ट सच आर्टिफिशियल मेंडल ने आर्टिफिशियल पॉलिनेशन करवाई या क्रॉस पॉलिनेशन एक्सपेरिमेंट्स में करवाई ठीक है यूजिंग सेवरल ट्रू ब्रीडिंग पी लाइंस ठीक है यूजिंग सेवरल ट्रू ब्रीडिंग ट्रू ब्रीडिंग ब्रीडिंग पी लाइन्डिंग लाइन्स इज वन दैट हैविंग अंडरगोइंग्यूस सेल्फ पोलिनेशन शो दैट स्टेबल ट्राइट इनहेरिटेंस एंड एक्सपेरेशन फॉर सेवरल जनरेशन ठीक है एक ए ट्रू ब्रीडिंग लाइन है, continuous, continuous है दौर पर, दौर पर ना ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन है ए ट्रू ब्रीडिंग इज वन दैट हैविंग सेल्फ पोलिनेशन लगातार सेल्फ पोलिनेशन करवाई जाए ठीक है मतलब कि वही वहीफॉर्फ और टॉलिया ना डोमिनेंट देखा मतलब कि सेल्फ पोलिनेशन करवाई उन्होंने और शो द स्टेबल ट्राइट इनहेरिटेंस एंड एक्सप्रेशन फॉर सेवरल जनरेशन और उन्होंने उनको शो हुआ हाँ तो शो दैट द स्टेबल ट्राइट इनहेरिटेंस एंड एक्सप्रेशन फॉर सेवरल जनरेशन मैंडल सेलेक्टेड फोर्टीन ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वराइटीज देखो जो मेंडल साहब थे उन्होंने फोर्टीन फोर्टीन लिए थे फोर्टीन प्लांट वराइटीज ली थी मतलब ये देखा जाए तो वैसे तो करेक्टर्स तो सेवन है अगर देखा जाए एक राउंड है एक रिंकल्ड है तो ये दो हो गए ना तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन प्लस सेवन इज इक्वल टू फोर्टीन तो ये क्या लिए उन्होंने फोर्टीन मेंडल सेलेक्टेड फोर्टीन ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वराइटीज़ ये कितनी वराइटीज़ है बच्चा ये वराइटीज़ हैं फोर्टीन वरायटीज़ हैं ठीक है ना तो उन्होंने फोर्टीन वराइटीज एज पेयर सेवन पेयर्स पर उन्होंने ये सारी स्टडी की पेयर विच वर सिमिलर एक्सपेक्ट फॉर वन करैक्टर विद

सीधी सी बात है इस पैरे में यही कहा गया है कि जो मैंडल साहब थे उन्होंने इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस क्या थी प्रोसेस बाई विच पास द करैक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग जो पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग में जाते हैं क्रैक्टर्स uh, जाते हैं उन पर उन्होंने स्टडी uh, किया उन्होंने पी प्लांट्स पर देखा इसको स्टडी किया है ना uh, इस पर उन्होंने ला बनाया और uh, ला में उन्होंने करैक्टर्स लिए सेवन करैक्टर्स लिए ठीक है उन्होंने सेवन तो पेयर में करैक्टर्स लिए अगर देखा जाए तो उन्होंने फोर्टीन तरह के फैक्टर्स फोर्टीन तरह की मैंडल साहब ने फोर्टीन तरह की सिलेक्ट किए थे वराइटीज़ और सेवन पेयर करैक्टर्स उन्होंने लिए थे और उन्होंने आ, इसको इस पर पूरा स्टडी किया था आ, ज, पी आ, सब कुछ सीड्स वगैरह कलर वगैरह सबको देखा था और देखा था कि कौन सा डोमिनेंट है कौन सा रिसेसिव आ रहा है क्रॉस पॉलिनेशन करवाई थी है ना उसके बाद आ, उन्होंने आर्टिफिशियली क्रॉस पॉलिनेशन करवाई थी आर्टिफिशियल पोलिनेशन करवाई थी एक्सपेरिमेंट्स में ठीक है ट्रू ब्रीडिंग पीलाइंस थी ठीक है आ, और इसमें उन्होंने ये जो सारे करेक्टर्स यूज़ किए थे इसका एक स्पेशल कॉन्ट्रास्टिंग ट्राइट स्टडी बाय मैंडल्स इन पी उन्होंने जो पी प्लांट्स पर स्टडी किया था क्या क्या स्टडी किया था वो लिखा हुआ है क्या क्या बच्चा ये स्टीम हाई टॉल डॉर्फ फ्लावर कलर लाइक ऑल द थिंग्स ठीक है बच्चा उन्होंने इस पर क्या क्या था स्टडी किया था तो ये सारे सेवन के सेवन करेक्टर्स हैं ठीक है मैंने आपको बच्चा एक बार पढ़ा दिया है ठीक है इसके बाद आपने खुद से मुझे तो लगता है कि अब देखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि मैंने इतनी बार तो एक्सप्लेन कर दिया है ना बार बार मैं आपको बोल बोल कर करा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए ठीक है आपको खुद घर पे जाके भी या फिर आप जहाँ पर भी बैठ के पढ़ते हो आपको बुक उठाने की भी जरूरत ना पड़े बट आप पढ़ते समय साथ अपनी बुक साथ लेकर बैठें और साथ साथ में पढ़ें बट मैं ऐसा चाहता हूँ कि मैं जब पढ़ा रहा हूँ बस आप तभी अच्छे से पढ़ लें बाद में आपको पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े ठीक है बच्चा और बस मेन चीज तो यही है इस मतलब कि जो मैंने आज पढ़ाया कि जो देखो पहले जो थ्योरी चल रही थी इन केस ऑफ उन्होंने ह्यूमन कह रखा था कि जो मतलब कि जो बच्चा जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा वो आ, माता और पिता अगर आ, एक लॉन्ग है एक शॉर्ट है तो मीडियम टाइप का कि प्रोड्यूस होगा है ना बट इन केस ऑफ पी प्लांट्स पर उन्होंने देखा कि वो तो डिफरेंट हो रहा है वेरिएशन आ रही है है ना वेरिएशन आ रही है तो उन्होंने उस पर स्टडी करना शुरू कर दिया लगभग सात साल लगा दिए स्टडी करने पर स्टार्ट सात साल लगाने के बाद भी उन उनका प, आ, काम पब्लिश नहीं हो पाया बाद में साइंटिस्ट आए उन्होंने आ, वैसे ही करके देखा और वैसे करके देखा तो सारे रूल्स जो भी थे सब कुछ सेम आ रहा था ठीक है और सब कुछ मतलब कि वैसे ही आ रहा था जो मैंडल साहब करके गए थे तो आ, उन्हें लग गया भी हाँ भी मेंडल साहब तो सही करके गए हैं तो उसके बाद ही ठीक है मैंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स घोषित किया गया और मैंडल की सारी चीज़ें पब्लिश कर दी गई ठीक है क्योंकि मैंडल साहब पहले ही सब कुछ ड्राइव कर गए थे और इसके बारे में और क्या कहा गया है इस बारे में और कहा गया है कि उन्होंने जो क्या क्या एक्सपेरिमेंट में करैक्ट्रिस्टिक्स लिए थे और यही चीज़ मैं आपको बार बार रिपीट करवा रहा हूँ क्यों करवा रहा हूँ क्योंकि बच्चा ये सी बी एस ई और नीट दोनों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सी बी एस ई में ऐसा पूछा जाएगा कि, कि उन्होंने सात करैक्टर्स कौन कौन से लिए ठीक है कौन कौन से लिए सेवन करैक्टर्स ठीक है ये पूछा जाएगा बच्चा तभी तो मैं आपको बार बार ये बोल रहा हूँ समझा रहा हूँ ठीक है आ, उन्होंने पी प्लांट्स पर गार्डन पर ये क्रैक्टर्स लिए ठीक है सात क्रैक्टर्स लिए ठीक है चौदह वराइटीज ली ठीक है और उन्होंने देखा टॉल डॉर्फ राउंड रिंकल सब देखे डोमिनेंट राइट देखे रिसेसिव देखा कौन है डोमिनेंट देखा ठीक है उसके बाद क्रॉस पोलिनेशन हुई क्रॉस पोलिनेशन के बाद देखा है वन जनरेशन देखी लाइक मतलब कि उन्होंने ये सारा देखा है ना तभी तो ये इम्पोर्टेंट है ये सारा जो है ना करेक्टर्स है ना ये इम्पोर्टेंट है इस पैराग्राफ में ठीक है यही मैंड ऑफ इनहेरिटेंस है बस और कुछ भी नहीं है इसमें सिंपल है बच्चा ठीक है तो आज के लिए इतना ही कल हम क्या करेंगे कल हम करेंगे इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन ठीक है इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन देखेंगे आ, इसमें देखेंगे एफ वन जनरेशन फिल प्रोजनी लाइक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ये भी हम कल इसे ज़रूर करेंगे ठीक है बट आ, आज के लिए इतना ही ठीक है बच्चा अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं तो आज के लिए इतना ही थैंक यू बच्चा बाय